जुड़ चुके हैं जिनको 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन का मैन ऑफ द मैच कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया इन्होंने, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी उसमें इन्होंने कमाल कर दिया। 2027 का महादंगल होना है, उसके पहले दंगल की बड़ी तैयारी के साथ 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को झटका भी दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अखिलेश यादव जी एबीपी न्यूज के इस मंच पर। कैसी है तैयारी आपकी 9 सीटों को लेकर? आपका बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस को झटका नहीं दिया है, ये समाजवादी पार्टी की रणनीति के तहत हम लोगों ने फैसला लिया है। 9 सीटों पर उपचुनाव किन मुद्दों पर होने जा रहे हैं? जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, सरकार अगर बेईमानी नहीं करेगी और जिस तरीके से पहले दिन से ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, बीएलओ से लेकर के चुनाव से जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, बीजेपी ने अपनी तरीके से पोस्टिंग दी है और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हों कि इसको रामपुर बना देंगे, कई मंचों से उन्होंने ये कहा हो और फिर जो नारा निकल करके आया है, देश के इतिहास में इससे खराब, इससे निगेटिव नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा है पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे खराब नारा है और निगेटिव नारा है। ये वो लोग हैं जो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वो नारा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अब सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती है, अब रक्षा आपको स्वयं करना पड़ेगा। और सच्चाई तो ये है कि पीडीए की एकता को लेकर के ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसी की वजह से ऐसा नारा दे रहे हैं। पीडीए के लोग, पीडीए जोड़ेगा और जीतेगा और वो शुरुआत हो चुकी है। इस तरह के नारे जो निगेटिव नारे दे रहे हैं उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, वो ढलान पे हैं और समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग चढ़ान पर हैं, हम लोग ऊंचाई पर जाने वाले हैं। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग ये लगा दी है। आप भी इसी नारे को आगे लेकर बढ़ते हुए कहते हैं बटेंगे कटेंगे नहीं बल्कि पिटेंगे, तो आपने भी तो उसमें एक शब्द जोड़ दिया ना। वो किसी और संदर्भ में कहा गया था, मैंने जो कहा था वो शायद बात नहीं पहुंची है जिस चैनल के इंटरव्यू मैंने ये कहा था कि लखीमपुर के विधायक ये कह रहे हैं कि अगर बिटोगे तो पिटोगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि उनका कानून, अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसकी गर्दन तक पहुंच जाते हैं और बीजेपी के लोग थोड़ा गर्दन के ऊपर पहुंच जा रहे हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि विधायक के तमाचा पड़ा हो, उसे इंतजार करना पड़ा हो एफआईआर के लिए? तो इसीलिए वो विधायक कह रहे हैं कि बटोगे तो पिटोगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।